नमस्कार, आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज नई दिल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक सांप वर्दी के नाम पुलिस हमारे समाज के रक्षक है। हमारे भारतीय पुलिस जो बखूबी अपनी ईमानदारी से अपना जिम्मेदारी निभाते हैं, फिर भी किसी भी मामले में पुलिस ही बदनाम हो जाते हैं। यह वही भारतीय पुलिस है जो हर खुशियों के पर्व पर त्योहार में अपने परिवार को छोड़कर हमारे बीच हिफाजत के लिए तैनात पुलिसकर्मी के रूप में मौजूद रहते हैं। मेरा भी फर्ज बनता है कि हम पुलिस को मदद करें। इसी बीच गगन सिंह की अच्छी सोच सामने आया और पुलिस की आवाज से शुरुआत हुई। आपको विस्तार से बताते चले कि गगन सिंह कौन है और पुलिस की आवाज क्या है। सन 2014 में पुलिस की आवाज के नाम से एक संस्था का पंजीकरण कराई गई, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष गगन सिंह जी हैं। पुलिस की आवाज एक ऐसी संस्था है जो आज भारत के कोने कोने में यह संस्था पुलिस के साथ कदम से कदम मिलाकर एक बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। पुलिस की आवाज़ के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहम्मद साहिद इदरीसी ने काफ़ी मेहनत करते हुए बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा कर संस्था को मजबूत कर एक नई दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं सीआर वर्मा का पुलिस की आवाज़ में अपने कार्य का काफ़ी चर्चा बनी रहती है। पुलिस की आवाज़ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गगन सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहम्मद साहिद इदरीसी एवं सीआर वर्मा के केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को ध्यान में आकृष्ट किया है कि हमारी संस्था को किसी भी प्रकार की कोई भी सरकारी सहायता नहीं मिल रही है। पुलिस की आवाज़ संस्था के माध्यम से हम भी भारत में एक अच्छी समाज बनाना चाहते हैं। इसमें केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की मदद की ज़रूरत है। पुलिस हमारे जीवन में कितनी कुर्बानी देती है, हम उन्हें सम्मान कब देंगे। पेश दिल्ली से मोहम्मद अफरीदी के साथ कैमरामैन लकुश कुमार की एक खास रिपोर्ट। होते रहते हैं, अभी मैं जैसे कई जगह पर अलग अलग जगह पर दिल्ली में और दिल्ली के अलग अलग जगह पर गरीब बच्चों को भी पढ़ा रहा हूं। 48 बच्चे मेरे अजमेर के किशनगढ़ इलाके में पढ़ रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, उनसे कोई पैसे नहीं लेते। जोधपुर के सिरोही गांव है, वहाँ पर 32 बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उनसे कोई पैसे नहीं लेते। हम लोग खुद कुछ मेरे कुलीग्स हैं, हम लोग थोड़ा थोड़ा पैसे इकट्ठा करके उनको स्टेशनरी, फेसबुक पर आप देखेंगे हमारी एनजीओ के नाम पर आपने देखा होगा पीछे डाला हुआ है ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेट साइंस करके, हम फेसबुक पर लिखते हैं किताबें लेके जाइए हमसे, हम लिखते हैं ताकि लोगों को पता लगे हाँ किताबें फ्री में मिल सकती हैं। हम ये भी बोलते हैं आपको और किसी भी क्लास की किताबें चाहिए तो हम आप हमसे मांगिए, आप लीजिए हमसे। बच्चा अगर आज नहीं पढ़ेगा शिक्षित नहीं होगा, और मुझे लगता है शिक्षा अगर बच्चे को मिल गई तो उससे बड़ा धन कोई भी नहीं। मिश्रा जी, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको जो शहीदों को सम्मान करने की, जो आपने जो टाइटल रखा है एक शाम वर्दी के नाम, कैसे आया ये आइडिया? सर कहते हैं कि जब आप कोई विशेष कार्य करना चाहते हैं तो स्वयं में आप मंथन करिए, और स्वयं में जब आप मंथन करते हैं तो ईश्वर अगर सोचने की आपकी आपको शक्ति देती है तो उस सोच को साकार करने का भी माध्यम ईश्वर प्रदान करता है। जब मैंने अवार्ड शो के लिए प्री प्लान किया तो हमें डॉक्टर सुनील जी ने विशेष योगदान दिया। रही वर्दी की बात तो मिस्टर गगन जी कुछ बताएंगे। सर हमारा एक पुलिस की आवाज़ के नाम से एनजीओ चलता है जिसमें हम लोग पुलिस के लिए काम करते हैं, तो उसमें कई एनजीओ है कि जो अलग अलग करते हैं बच्चों के लिए, सबके लिए, पर पुलिस के लिए करने वाला कोई एनजीओ नहीं है। तो इसलिए हमने सोचा कि कुछ पुलिस ऑफिसर को बुला के एक शाम वर्दी के नाम ये चैटर इनकी सोच को मैंने